मिल बैठ के इकट्ठा मुश्तर का जो है रोज़ा इफ्तार की दावत है शरीक। यहाँ तमाम मजलिस भी जुटी हुई थी तो नहीं, आज तो मौका तो बस रोज़ा इफ्तार का है, राजनीति का मौका बाद में आएगा। मेरी तरफ से सबको रमजान मुबारक और आने वाले समय में ईद उल फितर की भी बहुत बहुत। ये तो एक जो है एजेंडा के तहत, चाहे वो केंद्र की बीजेपी सरकार हो चाहे राज्यों की बीजेपी की सरकार हो, उसके तहत ये षड्यंत्र जो है कराया जा रहा है। जिस तरीके से माहौल और नफरत का एक माहौल जो है बनाया जा रहा है, जिससे कि आपसी भाईचारा खराब हो, तो हमारी सबसे अपील है कि आपसी भाईचारा बना के रखें और इनकी राजनीतिक चाल में ना फंसे। और सरकार से मांग है कि इस तरह का माहौल बनाने से आपको भी कोई ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला, राजनीतिक तौर पर फायदा हो जाए, लेकिन आगे लंबे समय में पूरी इंसानियत को नुकसान हो रहा है, उसको रोकें, भाईचारे को कायम करें। मैं सभी लोगों से जरूर कहूँगा, आप एक दूसरे के साथ मिल के जो है भाईचारे को कायम रखें, किसी गलत अफवाह में किसी गलत रूप में ना पड़े, और हम कोशिश करेंगे सब मिल के जो हिंदुस्तान की एक गंगा जमनी सभ्यता है उसी के तहत हम सब मिल के इस देश में करेंगे। त्यौहार को अगर देखा जाए तो ये महामारी या फिर बहुत ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब समीम रहाणिया यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टैप द बेल आइकॉन। थैंक यू।